गाइस फाइनली आज पहुंच चुके हैं अपने लेंस कार्ट स्टोर पर। तो इसको गाइस देख सकते हैं, जैसे कि आज मेरा पहला दिन है तो मेरे को स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है कि आप 8 फीट 8.5 फीट की गहराई पर नहीं स्विमिंग कर सकते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब भाई? अभी जो टाइम हो रहा है ना और जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो इतनी लेट हो रही है। टाइम देख लो, सबसे पहले ये देखो यार, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 5 बज गए हैं शाम के। अच्छा यार, आज का पूरा दिन भाई बिजी 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 और बस बिजी गया है। कंट्रोल काम वाम निपटा लिया, सारे काम बिल्कुल फुल पैक्ड हो गए हैं घर का। भाई अब काम निपटाने का मौका आया है तो मम्मी को लेके जा रहा हूँ उनका चश्मा बनवाने के लिए। और यहाँ देखो हमारे पार्थ बाबू। ओए होए पार्थ बाबू, आप क्या कर रहे हो इस मुद्रा में लेट के? तो भाई देखो पार्थ बाबू कर रहे हैं बिल्कुल फुल ऑन आराम। हाँ तो बस मैं पार्थ मम्मी जाएंगे चश्मा लेने, मम्मी का चश्मा बनवाना है भाई, ठीक है। और उसके बाद शाम को मैं लेके जाऊंगा अपने पार्थ को स्विमिंग पूल। इसको डुबकियां लगवाऊंगा लड़के को, यही लड़के को डुबकियां लगवानी है भाई, कैडी करके इसको कूदाऊंगा 8 फीट में। यूं कह रहा मुझसे भैया मुझे नहर में तो तैरना आता है बहुत बिंदास तरीके से, लेकिन पूल में तैरना नहीं आएगा। पांडे भैया का सीन यार डिफरेंट हो गया, पांडे भैया तो अब स्विमिंग नहीं जाने के, कान में उनके ज्यादा ही प्रॉब्लम है। तो गाइस फाइनली आज पहुंच चुके हैं अपने लेंस कार्ट स्टोर पर। तो शायद गाइस देखिए आज चलते हैं अभी अंदर, देखते हैं बनवाना है बेहतरीन बुआ जी के चश्मे। नहीं नहीं अब ये देखो, देखते हैं नए चश्मों के साथ। गाइस यहां पे ये जो भाई है बहुत ध्यान से समझा रहा है कि कौन कौन से लेंस आते हैं, इसने 5 तरह के लेंस बताए थे और मम्मी बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कर रही हैं और देख रही हैं कि मैं कौन सा वाला बनवाऊँ। और थोड़ा कंफ्यूज भी, अभी पता है क्या होगा, मम्मी चश्मे के जो फ्रेम है ना उसमें भी ढूंढने में बहुत टाइम लगाएंगी। और देखो मैं भी कितने ध्यान से देख रहा था, मतलब मैं समझा रहा था, मैं कहा मम्मी देखो ये अच्छा है वो अच्छा है। और जेंगो ये क्या पहन लिया भाई तूने? बढ़िया है। अच्छा कौन सी बाइक पे जाएगा इसे बैठ के? जाएंगे। ऐ लड़के बढ़िया लग रहा है तेरे पे, ले रहा है फिर इसे? सही है, तो विराट कोहली की तरह ही बन जा तू। हेलो गाइस देखो अभी मैं चला रहे हैं स्कूटी, बोल ये घर छोड़ के आए हम, का पैक का ऑर्डर दे दिया है गाइस अपने चश्मे का। हां मम्मी का चश्मा बनने के लिए दे दिया है और अब हम जा रहे हैं भाई, अब हम जा रहे हैं गाइस भोले की जाल पे। भोले की जाल पे जा रहे हैं हम लोग, भोले की जाल पे। हां भोले की जाल पे नहर पे डुबकियां लगाने जा रहे हैं, वो भी कॉस्ट्यूम पहन के। कहते लंबा स्विमिंग नहीं करे हुए तो गाइस भोले की जाल पर स्विमिंग का मनोबल है, मन है तो वहां जाएंगे आज। आप देख सकते हैं अरे भैया पता नहीं कौन से रास्ते पे ले आए हैं, मैं तो मेरठ में पहली बार देख रहा हूँ ये रास्ता, मुझे पता भी नहीं है मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये बता। मजा तो इतना आ रहा भैया पूछे मत ना, सेट बढ़ रही होती शिमला से कम नहीं था हाईवे। यहाँ पे ठंड बढ़िया हो जाती है, ठंड लगती है यहाँ पे क्योंकि ऐसा है ना चारों तरफ हरा भरा तो बढ़िया लगता है भाई। अब देख लो गाइस अब थोड़ी देर में हम आपको भोले की जाल पर जाने वाले हैं, नहर पास आती है ठंड लगनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, भोले की जाल चंद लम्हों में, चंद कुछ ही क्षणों में आपका तो वेट इज ओवर। भाई 15 मिनट पहले पहुंच गए हैं यहाँ पे हम लोग और अभी बैठे हैं भाई, अंदर चल रहा है लड़कियों वाला टाइम। आज 3 से 4 दिन बाद आया हूँ मैं भाई, ऐसे ही गैप हो जाता है, क्या कर सकते हैं। कल गुड़गांव गया था, रात को लेट आया था, दिन में फिर वही काम वाम और बस अब अपना पार्थ बाबू को लेके आए हैं। पार्थ बाबू हाँ ये वैसे मुंडी दिखाएंगे अंदर, ये बढ़िया ब्लॉगर बन सकता है वैसे, बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करता है ये देखो, हंसी पे कायल हो जाएंगे इसके लोग। और आकाश भाई क्या हाल चाल? बढ़िया ए आकाश भाई, तुम्हारी डुबकियों के तो लोग फैन हो गए हैं, तुम भाई फेमस कर रहे हो, प्रोग्राम कर रहे हो। तो भैया आकाश भाई मैं और पार, ठीक है हम तीनों को 8 फुट में तैरना नहीं आता और आज हम 8 फुट में ही कूदेंगे। हाइट करके दिखाना है सर। हाँ यहीं सीधे कूदना है और भाई अगर अंदर रह गए ना तो कोई बाहर नहीं आएगा, निकालने वाला भी कोई नहीं है आज तो। और आकाश भाई क्या 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 टिप्पणी दोगे इस पे? तो ये कहूंगा घर वालों को एक बार फोन कर देते
चलो सही है गाइस, तो मैं कूद रहा हूँ यहाँ पे गाइस, देख रहे हैं 8 फुट की गहराई में आप भैया कूदने वाले हैं। चार दिन बाद देखते हैं कि कूद पाएंगे नहीं कूद पाएंगे, पानी तो नहीं ऊपर उछलेगा। कूदो घूम के, कैसे कूद जाओ शोरे को हेलो करो, ये शोरे हैं, हेलो करो, चलो कूदो भैया 1 2 3 पानी तो देखो बाहर आया है चार दिन गैप करने का जो नतीजा है वो ये है कि आप स्विमिंग ही नहीं कर पाओगे, थकान ऐसी हो जाएगी, सांस ऐसा फूल जाएगा जैसे किसी ने डर टूट आओ पकड़ पकड़ के। अब मैं बबल बनाता हूँ दोबारा से भाई, स्टार्टिंग यही है, क्या कर सकते हैं, यही करना पड़ेगा। और आज का मेरा कोच है शौर्य, ठीक है शौर्य मुझे बताएगा कैसे होना है। चल ठीक है ट्राई करते हैं, ऊपर से भी दिखा दिया चुके बस, जब मैं आया नीचे जाऊँगा तब है ना। चल आ जाऊँ पास में आ जाऊँ, तो गाइस देख सकते हैं जैसे कि आज मेरा पहला दिन है तो मेरे को स्ट्रिक्टली मना कर दिया गया है कि आप 8 फीट 8.5 फीट की गहराई पर नहीं स्विमिंग कर सकते, मुझे जाना पड़ेगा गाइस 6 फीट की पे फॉर सेफ्टी प्रिकॉशन। तो गाइस देखिए मैं चलता हूँ 6 फीट की गहराई में, वहीं जाकर स्विमिंग करते हैं हम लोग। हाँ पार्थ कैसा लगा तुझे? तो भैया बहुत मजा आया, करी तो तूने है नहीं करी थी भैया, थोड़ी बहुत जितनी हुई थी गूगल सर वो नहीं था ना कैप। चलो इसको भाई कल वो लेके आएंगे इसके लिए कैप वगैरह, और अब करते हैं समय समाप्ति की सूचना हो चुकी है ना, मिलते हैं कल, आज का समय यहीं समाप्त होता है। और पार्थ बाबू चलाएंगे स्कूटी, और इन्होंने रख दिया है गोबर में पैर है ना, इनके घर सड़ गए पैर। चल भाई बाय बाय कर सबको, ओके बाय गाइस टेक केयर। चलो जी बाय बाय टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब कर देना।